हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आश्रम सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे, आश्रम व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने वर्ण व्यवस्था के विषय में चर्चा की और हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था है या वर्णाश्रम व्यवस्था है वो भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण आधार था, और ये व्यवस्था जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक विशिष्ट व्यवस्था मानी जाती है जो कि विश्व के अन्य समाजों के अंदर है हमें देखने को नहीं मिलती है। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक जो प्रमुख आदर्श था वर्ण व्यवस्था, और दूसरा जो प्रमुख आदर्श था वो आश्रम व्यवस्था थी। तो आश्रम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में विहित जो कर्तव्य हैं उनको उनका पालन करना ही वर्णाश्रम धर्म कहलाता था, और इसलिए इन दोनों व्यवस्था को संयुक्त रूप से वर्णाश्रम धर्म भी है वो कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की कि जहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो समाज के उत्थान के लिए और एक प्रकार से समाज में एकता स्थापित करने के लिए है, वो वर्ण व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं जो आश्रम व्यवस्था है उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास एक क्रमबद्ध रूप के अंदर एक सिस्टमेटिक ढंग से है वो हो सके, उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इन दोनों व्यवस्थाओं के कारण से है वो प्राचीन काल के अंदर है न केवल सामाजिक उत्थान संभव हुआ अपितु जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो उत्थान है या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वो भी संभव हो सका। तो जो आश्रम व्यवस्था है वो प्राचीन जो समाजशास्त्रियों की जो मनीषियाँ हैं उनकी एक सुंदर व्यवस्था थी, भारतीय समाज को एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। और जैसा कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हमें लगता है या आभास होता है कि आश्रम से तात्पर्य है वो परिश्रम से है या प्रयास करने से है। तो आश्रम जो आश्रम है वो प्राचीन मनीषियों ने आश्रम उनको कहा, अर्थात ये वे स्थान थे जहाँ पे व्यक्ति है वो परिश्रम करता था, और परिश्रम किसके लिए करता था, क्योंकि प्राचीन जो काल है या प्राचीन दर्शन शास्त्र है या हिंदू परंपरा है उसमें जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष को माना गया है, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति, जो बर्थ रिबर्थ है उसके साइकिल से मुक्ति जो प्राप्त करना है वो जीवन का है वो सर्वोच्च लक्ष्य था। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सिस्टमेटिक रूप के अंदर है वो परिश्रम करना होता था, और सिस्टमेटिक रूप से एक लंबा परिश्रम, एक कठोर एक लंबा परिश्रम करना होता था, उस लंबे परिश्रम के बाद ही है वो जीवन का परम लक्ष्य वो मोक्ष है वो प्राप्त हो सकता था। तो इसके लिए है वो प्राचीन जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने व्यक्ति के जीवन को एक 100 साल का मान करके है, व्यक्ति के जीवन को एक व्यवस्थित करने के लिए है वो उसको व्यक्ति के जीवन को है वो 4 भागों के अंदर विभाजित किया, 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया, और चारों जो विभाग हैं उनके लिए है वो अलग अलग कर्तव्य हैं, अलग अलग दायित्व हैं, उनको फिक्स किया। और इस प्रकार व्यक्ति है वो जीवन, इस सांसारिक जीवन और जीवन का अंतिम लक्ष्य है उन दोनों को है वो एक क्रमबद्ध रूप से एक साइंटिफिक तरीके से वो प्राप्त कर सके, इसकी व्यवस्था की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था है वो एक प्रकार से मनुष्य के जीवन का जो प्रथम वैज्ञानिक विभाजन था, एक प्रकार से पहला साइंटिफिक डिवीजन था मनुष्य की जो पूरी लाइफ साइकिल है, जो 100 साल का जीवन है उसका एक तरह से है वो एक सिस्टमेटिक डिवीजन है वो प्राचीन मनुष्यों ने है वो भारतीय समाज के समक्ष है वो प्रस्तुत किया। और इस आश्रम के माध्यम से है जो भारतीय जो समाज है उसकी जो एक जो प्रमुख आदर्श था पुरुषार्थ था, जिसकी हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि हर व्यक्ति को है वो पुरुषार्थ का निष्पादन है वो करना आवश्यक था, जिसमें धर्म अर्थ और काम मोक्ष है और उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, जो पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा विस्तार से कर सकते हैं हमने किया था। तो उन पुरुषार्थों की जो पूर्ति है वो इन आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी, और हर पुरुषार्थ है जो धर्म अर्थ और काम के विभिन्न चरणों से जाते हुए अंतिम लक्ष्य वो मोक्ष को वो प्राप्त करना है, वो जीवन वो व्यक्ति का है वो परम लक्ष्य होता था। तो इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही वो पुरुषार्थ है उसका निष्पादन है वो किया जा सकता था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन जो
मनीषियों हैं उनके द्वारा, जो प्राचीन सोशल थिंकर के द्वारा जो जो भारत की सामाजिक व्यवस्था, जो व्यक्ति भारत की जो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था और भारत के जो व्यक्ति के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वो संभव हो सके, उसके लिए एक सुंदर व्यवस्था है वो प्रस्तुत की, जिसको आश्रम कहा जाता था। और एक ये आश्रम एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर्स थे, और भिन्न भिन्न आश्रमों के अंदर है वो भिन्न भिन्न जो विभिन्न कर्तव्य हैं और विभिन्न दायित्व हैं उनका उनको उनको निर्धारित किए गए थे। और उन ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर है वो विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर करके है वो अंत के अंदर अपना चरम लक्ष्य है वो मोक्ष है वो आसानी से प्राप्त कर सकता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक तरह से आश्रम व्यवस्था है वो व्यक्ति का जो अपने जीवन काल के अंदर है सभी आवश्यकताएं हैं, भौतिक मानसिक जो आपका व्यक्ति का भौतिक विकास है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, सभी प्रकार का जो सर्वांगीण विकास है वो इन आश्रमों के द्वारा है वो पूरा हो सकता था। तो एक प्रकार से आश्रम है वो एक प्रकार से ब्रह्म लोक तक पहुंचने के मार्ग हम कह सकते हैं। महाभारत में तो यह कहा गया कि जो ईश्वर प्राप्ति का जो एक मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति की एक सीढ़ी है जिसके चार चरण हैं, उन चार चरणों से गुजरते हुए व्यक्ति है वो एक प्रकार से क्रमबद्ध रूप में है, भिन्न भिन्न चीज़ें हैं वो, भिन्न भिन्न कार्य, भिन्न भिन्न दायित्व है को पूरा करते हुए है वो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है उस तक पहुंच सकता था। तो इस प्रकार भारत की सामाजिक व्यवस्था का जो दूसरा प्रमुख आदर्श है जो आश्रम व्यवस्था है वो थी, और ये भारतीय समाज को, भारतीय मनुष्यों की एक महत्वपूर्ण देन है वो मानी जाती है। तो जहाँ तक आश्रमों की हम व्यवस्था, हम आश्रमों की उदय की हम चर्चा करें, इस आश्रम सिस्टम का जो उदय है वो वैदिक काल के अंदर माना जाता है, और हम कहें कि उत्तर वैदिक काल के अंदर ही व्यवस्था है वो बीज रूप के अंदर है वो विद्यमान थी। और क्योंकि हमें छांदोग्य उपनिषद के अंदर है वो हमें इस आश्रम व्यवस्था का है वो प्रथम उल्लेख मिलता है, और छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें एक प्रकार से है इसकी जो संख्या है वो तीन मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन जो सर्वप्रथम चारु आश्रमों का जो उल्लेख है जाबाल उपनिषद के अंदर मिलता है। तो जाबाल उपनिषद है में एक प्रकार से चारु आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था है का उदय है वो तो उपनिषद काल में हो गया था, लेकिन सूत्र काल के आते आते है ये आश्रम व्यवस्था है वो अपने पूर्ण रूप से संगठित और प्रतिष्ठित हो गई थी, और स्मृति काल के तक आते आते हम देखते हैं कि इसका पूर्ण विकास हो गया था, और विभिन्न आश्रमों के लिए है विभिन्न प्रकार के नियम निर्धारित है, नियमों का निर्धारण है वो स्मृति काल के अंदर हो गया था। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का जो उदय है वो हमें उपनिषद काल में उसका उदय मिलता है, और उसके बाद के अंदर सूत्र काल के अंदर है वो इसका जो एक तरह से एक 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 पूर्ण रूप से संगठित और प्रतिष्ठित हो गई थी, और स्मृति काल के अंदर विभिन्न प्रकार के नियम जो विधान है उनका निर्धारण है वो स्मृति काल में हो गया था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अलबरूनी के समय तक है, 12वीं शताब्दी तक है इसका उल्लेख हमें मिलता है, पूर्व मध्यकाल तक है ये व्यवस्था देखने को मिलती है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये विद्यमान थी लेकिन प्रैक्टिकल रूप के अंदर वो इतनी प्रभावी हमें देखने को नहीं मिलती है, समाज का कुछ सीमित वर्ग है वो इसका पालन वो करता था, लेकिन ये व्यवस्था है वो एक प्रकार से एक भारतीय सामाजिक व्यवस्था, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सुंदर व्यवस्था है वो की गई थी। तो देखिएगा जो आश्रम व्यवस्था का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्मृति काल के अंदर है या महाभारत काल के अंदर है वो एक प्रकार से है वो पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी, और इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत है वो चार आश्रमों का विधान किया गया था, जैसे आप सब जानते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको एक तरह से जो बालक की जो बाल्यावस्था है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, और इस अवस्था के अंदर इस जो 25 वर्ष की अवस्था वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर बालक को पूरी करनी होती थी, और इसके लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी। ब्राह्मण 8 वर्ष के अंदर है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता था, क्षत्रिय 11 वर्ष के अंदर है, और जो वैश्य है वो 12 वर्ष के अंदर। और ये व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम में वो केवल द्विज के लिए थी, द्विज का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों के लिए थी, शूद्रों के लिए ये व्यवस्था नहीं थी। तीन वर्ण है वही इस आश्रम व्यवस्था का वो लाभ उठा सकते थे, और इसके लिए द्विज का मतलब नया जीवन, अर्थात एक जो जीवन है वो जो बायोलॉजिकल है वो माँ से होता है, और इसके बाद में जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य एक नया जीवन प्राप्त करता है, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को है वो द्विज कहा जाता था। तो पहला आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसके बारे में अभी अपन थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसको बालक की जो बाल्यावस्था है उसका काल है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का, बाल्यावस्था को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। और ये इसमें क्या था कि समाज व्यक्ति की देखभाल करता था,
और जो गृहस्थ आश्रम है उसके अंदर जो युवावस्था का जो काल है, 26 से लेकर के 50 तक का जो काल है, वो गृहस्थ आश्रम कहलाता था। और व्यक्ति समाज की देखभाल करता था, अब व्यक्ति है वो समाज की देखभाल कर रहा है। और वानप्रस्थ आश्रम है वो व्यक्ति की जो प्रौढ़ अवस्था है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका 51 साल से 75 जो आयु तक का जो काल है, वो एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। और इसमें एक तरह से व्यक्ति की जो स्थिति है वो समाज और परिवार में एक सलाहकार की थी, एक तरह से ट्रस्टी की भूमिका अदा करता था, एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका वो अदा करता था। तो ब्रह्मचारी आश्रम बाल्यावस्था का काल था, युवावस्था का काल है वो जो 26 से 50 तक का काल गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करता था, और वानप्रस्थ आश्रम जो प्रौढ़ावस्था का काल है वानप्रस्थ आश्रम में, और जो वृद्धावस्था का जो काल है 76 से लेकर के 100 वर्ष तक का काल है वो संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति है वो समाज से उसका कोई संबंध नहीं रहता था, और एक प्रकार से वो बिल्कुल समाज से अलग होकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन को एक तरह से चार आश्रमों में विभाजित किया गया, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इस जो विभाजन है उस विभाजन के अंदर है वो आयु के साथ है वो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सॉरी आयु के साथ है वो व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो इस प्रकार मनुष्यों ने उस जो बायोलॉजिकल मनुष्य आयु के साथ मनुष्य के शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और उसका दृष्टिकोण चेंज होता है, उसका जो कर्तव्य चेंज हो जाता है, उसका दायित्व चेंज हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, आयु को ध्यान में रखते हुए, आयु के साथ है मनुष्य के शारीरिक और मानसिक जो अवस्था में क्या परिवर्तन आता है उसको ध्यान में रखते हुए है प्राचीन मनुष्यों ने, बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण है मनुष्य के जो जीवन के जो पूरा 100 साल का जो काल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया, जिसका मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक हर, और इसका पूरा बैलेंस 25-25 वर्ष का ही रखा उन्होंने। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष, प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय 25 वर्ष है वो गृहस्थ आश्रम में, और तृतीय 25 वर्ष है वो वानप्रस्थ आश्रम में, और चतुर्थ 25 वर्ष है वो वृद्धावस्था, जो जो वृद्धावस्था का जो काल है वो संन्यास आश्रम में व्यक्ति को व्यतीत करना पड़ता था। और इसमें क्या है कि इस आश्रम व्यवस्था के माध्यम से है वो एक, ये आश्रम व्यवस्था है वो जो व्यक्ति के जो 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 प्रमुख उद्देश्य जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने का एक तरह से एक बेस है वो प्रदान किया, और व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित ढंग से है वो एक तरह से निर्देशित करने और संचालित करने के अंदर इन आश्रमों का है वो महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जा सकता है। तो इसमें जैसे जो प्रथम आश्रम की हम बात करें तो जो प्रथम आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको हम ज्ञान प्राप्ति का आश्रम हम कह सकते हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम जैसे इसके नाम से लगता है कि ब्रह्म का मतलब ज्ञान और चर्य का मतलब है वो विचरण करना। इस आश्रम के अंदर है वो बालक है वो ज्ञान में विचरण करता था। और इस आश्रम का जो प्रारंभ है जो आपके लिए जानना आवश्यक है कि इस आश्रम का प्रारंभ है वो एक सेरेमनी के द्वारा होता था जिसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। तो उप का मतलब होता है समीप और नयन का मतलब ले जाना, अर्थात जिसमें वह संस्कार जिसमें जो व्यक्ति है या बालक है उसको गुरु के समीप ले जाया जाता था। और इस जो आश्रम के द्वारा जो बालक का जो 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 प्रारंभिक जो अनियमित जीवन था, इरेगुलर जीवन था, अनुत्तरदायी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, अब उस जीवन को समाप्त कर करके है वो बालक है एक नियमित रूप से गंभीर होकर के है वो एक प्रकार से है एक अनुशासित जीवन है वो प्रारंभ कर देता है, एक प्रकार से कठोर और गंभीर और नियमित रेगुलेटरी जीवन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि इससे शिक्षा उपनयन संस्कार से पहले बालक का जीवन है वो अनियमित होता था, अनुशासित नहीं होता था, और उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन जो ही उपनयन संस्कार हुआ तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो प्रवेश करता था जिसको उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता था, तो इस जो विद्या आरंभ का जो संस्कार है, जो शिक्षा प्रारंभ का जो संस्कार है, जिसके द्वारा बालक का शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक है और सभी प्रकार का जो विकास होता था, नैतिक विकास होता था, तो इसके अंदर क्या है कि जो बालक है उसको उसका जो उसकी लाइफ है वो एक तरह से चेंज हो जाती थी। अब वो एनिमित जीवन नहीं रहा, अनुत्तरदायी जो इनरिस्पॉन्सिबल है वो लाइफ नहीं रही, अपितु उसको उसके स्थान पर अब एक रेगुलेटरी लाइफ है, एक तरह से अनुशासित जीवन है वो जीना है वो शुरू कर देता है। और इसमें अलग प्रकार की वेशभूषा है, अलग प्रकार वेदों का अध्ययन है, जो उपनिषदों का अध्ययन है और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन है, वो बालक की रुचि के अनुसार क्षमता के अनुसार उसका अध्ययन कराया जाता था। और इसके अंदर क्या है कि जो जो बालक है उसको अलग अलग प्रकार का है वो जनेऊ धारण करना होता था। तो उसके अंदर जो जनेऊ धारण है उसमें भी एक प्रकार से वो अलग अलग था। जो जो ब्राह्मण होता है वो कपास का जो जनेऊ धारण करता था, जो क्षत्रिय है वो उनका जनेऊ धारण करता था, और
वैसे वो सन का जनेऊ धारण करता था। तो अलग अलग प्रकार के जनेऊ थे जिसमें तीन धागे होते थे, जिसका सब सत्व है रज और तम उसको प्रदर्शित करता था, या पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण से मुक्ति उसको वो प्रदर्शित करता था। तो इसके एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर है वो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो बालक है वो एक आदमी बन जाता था, मतलब एक दूसरी भूमिका के अंदर आ जाता। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति की लर्निंग स्टेज थी, और एक तरह से लर्निंग स्टेज के साथ साथ एक प्रकार से एक तरह से बालक के जो बौद्धिक विकास है उसका काल हम कह सकते हैं, बौद्धिक उत्कर्ष का जो जो समय था वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। हालांकि ज्ञान वो बाद में भी प्राप्त करता रहता था, लेकिन यहाँ है वो आधारभूत जो बेसिक नॉलेज है जिसके द्वारा वो एक प्रकार से वो दूसरे आश्रम के अंदर वो प्रवेश करता था, उसके लिए एक तरह से वो आधार तैयार हो जाता था कि उसको आगे की लाइफ के लिए है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो करनी है, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं, उसका उसको अनुभव हो जाता था। और 25 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद है जब वो पूरे वेदों का सबका अध्ययन वो कर लेता था, ज्ञान प्राप्त कर लेता था, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो उसका जो समावर्तन संस्कार होता था जिसके बालक जो जो बालक होता था वो अब वो एक 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 रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन गया, आदमी बन गया है, तो वो अब उसको उसको है गुरु को दक्षिणा देकर के है वो गृह प्रवेश गृह शास्त्र में प्रवेश करता था। इसको समावर्तन संस्कार, इसमें एक सेरेमनी होती थी जिसको समावर्तन संस्कार कहा जाता था, और समावर्तन संस्कार के अंदर है वो विवाह जरूरी था, तो विवाह के माध्यम से है वो एक विवाह भी एक संस्कार माना जाता था जिसके माध्यम से है वो गृह शास्त्र में प्रवेश करता था। और गृह शास्त्र है वो एक प्रकार से है वो सभी आश्रमों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति में तो यह कहा गया है कि जिस प्रकार वायु के द्वारा सभी प्राणी है वो जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से गृह आश्रम ही सभी आश्रमों का आधार है। तो बाकी के जो तीन आश्रम है उसकी जीवंतता है वो गृह आश्रम पर निर्भर करती है। तो एक प्रकार से क्या है कि गृह आश्रम को महाभारत में भी सभी गृह आश्रमों को सभी आश्रमों का आधार माना गया है। तो इस प्रकार से मनु ने तो यहाँ तक कहा गया कि एक कि गृह आश्रम को त्याग करके यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट यदि संन्यास आश्रम ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो निंदा का पात्र है, वो दंड का भागी है, उसको दंडित करना चाहिए। तो एक प्रकार से इस आश्रम व्यवस्था के अंदर है वो गृहस्थ आश्रम को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और अपने कर्तव्यों का इसमें इस गृहस्थ आश्रम के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्य विभिन्न प्रकार का जो दायित्व है उसको पूरा करता है। और इसमें गृहस्थ आश्रम के अंदर है वो एक प्रकार से है वो जो धर्मानुसार है वो धनार्जन करने का जो निर्देश है वो दिया गया है कि धर्मानुसार है धर्म का पालन करते हुए जो कि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखा उसका पालन करते हुए वो आपको है वो एक प्रकार से सभी दायित्वों का पूरा करना है। समाज के दायित्वों का आपका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है उसको पूरा करना है। इसमें जो भारतीय संस्कृति के अंदर ये कहा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो वो ऋणों से ग्रसित हो जाता है, वो देवताओं का ऋषियों का और अपने जो 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 अपने पिता है उनका माता पिता उसका ऋणी हो जाता है। तो उन तीनों ऋणों का ऋणों से मुक्ति होना मुक्ति है वो गृह शास्त्र में प्राप्त कर सकता है, जैसे वेदाध्ययन के द्वारा है, वेदों का अध्ययन मनन चिंतन और उसका उसको जीवन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो देव इम्प्लीमेंटेशन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार विवाह कर करके है पुत्र प्राप्त करके संतान की उत्पत्ति करके है वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और इसी प्रकार यज्ञों का संपादन करके वो ऋषि ऋण से वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार गृह शास्त्र के अंदर तीनों ऋण है उनसे मुक्त हो जाएगा। और तीनों ऋण मुक्ति के लिए भी इसमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर पंच महायोगों का भी प्रावधान था, जिसमें ब्रह्म यज्ञ है जिसमें वेदाध्ययन के द्वारा ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ है उसमें यागिक कर्मकांड करना, देवताओं को खुश करना और अपने जो जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनके प्रति है उदारता और शिवशुणता का जो भाव है वो प्रकट करना है, उनको अन्न वगैरह देना तो वो भूत यज्ञ है, और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना उसको पितृ यज्ञ है, और अतिथियों का सम्मान करना है वो मनुष्य यज्ञ है। तो इन पांच इन जो गृह शास्त्र में उसके द्वारा है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता था, और तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए वो पंच महायज्ञ है उनको करना जरूरी था, और विभिन्न प्रकार के जो पुरुषार्थ है धर्मार्थ काम के अंदर जो तीन पुरुषार्थ हैं उसकी पूर्ति है वो एक प्रकार से गृह आश्रम में हो जाती थी। इस प्रकार जो गृह आश्रम है वो एक सबसे तीनों आश्रम चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृह आश्रम को कहा गया। लेकिन इसमें एक बात और भी थी कि इसमें सभी आश्रम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट थे, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पूरा पालन करने के पश्चात ही आप गृह आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, और गृह आश्रम का पालन करने के पश्चात ही आप वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ का पालन करने के पश्चात ही आप एक तरह से संन्यास में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि सभी आश्रम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट थे। तो गृह आश्रम के पश्चात है वो जो व्यक्ति है
वो एक प्रकार से सभी दायित्वों का जो पूरा अपने दायित्वों का और अपने कर्तव्यों का जो पूरा पालन कर लेता था तो और अपने पुत्र का विवाह करके विवाह कर देता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब वो है, वो अपने परिवार को है और अपने अपने जो अपना जो सामाजिक दायरा है उसको, अपने जो स्थानीय जो 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 एक प्रकार से समूह है उसको छोड़ कर के है, वो अपने निकट के किसी वन की ओर है वो प्रस्थान करता था और सांसारिक इस और वहाँ रहने लग जाता था। अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ भी वो रह सकता था और सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं और लोभ का वो प्रत्याग है वो इस समय कर देता था। और इस प्रकार इस समय अब उसका जो अब वो जो जो ब्रह्मचारी वगैरह होते थे उनको ब्रह्मचर्य को शिक्षित करने का कार्य, ज्ञान देने का कार्य है वो भी वानप्रस्थी वो करता था। तो इस प्रकार अपने ज्ञान का वो प्रसार करता था और जो कुछ उसने गृहशास्त्र में सीखा है वो ब्रह्मचर्य को देता था। तो इस प्रकार से यह आश्रम एक तो व्यक्तिगत त्याग और तपस्या का काल था जिसमें एक तरह से एक तरह से वो संन्यास आश्रम के लिए अपने आप को तैयार करता था और एक प्रकार से जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता था। वानप्रस्थ आश्रम के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता था और कोई किसी प्रकार का वो धन नहीं रखता था, अपितु थोड़ा बहुत जो कुछ होता था उससे वो पंचवायुगों का संपादन भी करता था। तो एक प्रकार से एक सांसारिकता से विमुख करने वाला और भौतिकता से विमुख करने वाला या ये एक तरह से आश्रम था। और इसमें तपशील है, विनयशील है, क्षमाशील है, दानशील है, आचारशील है व्यक्ति बन जाता था। इस प्रकार से इस प्रकार के व्यक्तित्व है उसका निर्माण है वो इस काल के अंदर हो जाता था। तो इस प्रकार से क्या है कि इस जो वानप्रस्थ आश्रम में उसमें व्यक्ति है वो पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करता था और जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य को शिक्षा भी प्रदान करता था, उसके अनुभवों का लाभ है वो ब्रह्मचर्य को मिलता था। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम है वो एक प्रकार से क्या है कि अपने परिवार का और एक एक प्रकार से जो उसका सोशल सर्कल था उसको पूर्ण रूप से त्याग तो नहीं करता था लेकिन उनमें इंटरफेयर नहीं करता था, वो एक प्रकार से मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर रहता था। तो इसमें एक प्रकार से जब जब परिवार से और अपने पुत्रों से और अपने छोटा सा जो उसका सामाजिक समूह था उससे विरक्ति का जो भाव है उसमें जब पैदा हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में जब उसको लगता था कि अब वह संन्यास ग्रहण कर सकता है, अब उसका लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, तो ऐसी स्थिति में वो 76 साल की उम्र के अंदर है वो संन्यास है वो ग्रहण करता था। वानप्रस्थ आश्रम के जो विभिन्न क्रियाकलापों का पालन करने के पश्चात अब वो संसार को पूर्ण त्याग कर देता था। वानप्रस्थ में पूर्ण त्याग नहीं था, अब उसमें पूर्ण त्याग कर देता और मोक्ष की तरफ है वो अग्रसर होता था। अब वो एक प्रतिज्ञा करता था कि आज मैंने अपने पुत्र विषयक है, धन विषयक है, लोक विषयक है और आतुरता और कामना का पूर्ण वो त्याग कर दिया, ये प्रतिज्ञा वो करता था। जब वो अपने आप को काबिल समझता था कि अब मैं अपने परिवार से, अपने पुत्र मोह है उनसे है, पारिवारिक मोह से है वो मुक्त हो चुका हूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब वो प्रतिज्ञा करते हुए एक तरह से संन्यास आश्रम में पूर्ण एक तरह से त्याग है की ओर अग्रसर होता था। वो एक प्रकार से सब प्रकार के जो विषय वासनाओं का त्याग करके एक तरह से तपस्या करता था, कठोर तपस्या करता और विवाह की एक तरह से सॉरी मोक्ष की ओर है वो अग्रसर होता था। तो इस जो संन्यास आश्रम है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना था और इस आश्रम में व्यक्ति संसार से पूर्ण रूप से निर्लिप्त होकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहता था। और इसमें व्यक्ति को अत्यंत साधना करनी पड़ती थी और अत्यंत तपस्या करनी पड़ती थी और इसमें व्यक्ति है वो निरंतर भ्रमणशील रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गमन करता रहता था। तो इस तरह से क्या कि इन 4 आश्रमों के द्वारा है वो व्यक्ति है वो अपने जो अपने 4 पुरुषार्थों का जो जो पालन करते हुए है वो अंतिम लक्ष्य वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आश्रम व्यवस्था है वो भारत के जो सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आधार थी और विश्व की एक अनुपम व्यवस्था थी जो भारतीय समाज के अंदर है वो प्रचलित थी। हालांकि व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं था लेकिन ये एक सुंदर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था से व्यक्ति है अपने जो जो संसार की जो भौतिक जो सांसारिक और सभी प्रकार की जो इच्छाओं की पूर्ति पूरी कर लेता था, अपना व्यक्तित्व का विकास भी कर लेता था, अपने समस्त दायित्वों को पूर्ति वो कर लेता करते हुए अंतिम है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से वो अंतिम लक्ष्य वो मोक्ष की ओर वो अग्रसर होता था। तो इसमें जीवन का समुचित विकास भी होता था और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी हो सकता था और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी और पुरुषार्थ उसकी पूर्ति हो जाती थी और ज्ञान का संचय भी इसके अंदर हो जाता था और ज्ञान का प्रसार भी हो सकता था, जिससे कि जो ज्ञान ही होता है वो एक प्रगति का आधार होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो है और जो सामाजिकरण है वो इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही वो पूरा हो सकता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था है जिसमें 4 आश्रमों का जो प्रावधान था ये जो अवधारणा है वो एक प्रकार से है
वो व्यक्ति के बौद्धिक सांसारिक मानसिक जो मानसिक विकास के लिए वो एक महत्वपूर्ण थी। और आयु के अनुसार व्यक्ति का जो जो आयु के अनुसार जो व्यक्ति के में शारीरिक जो मानसिक परिवर्तन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक सुंदर व्यवस्था है वो प्राचीन मनुष्यों ने की, जो कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसका उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो मानी जा सकती है। बाकी आगे का जो विवेचन है आश्रम व्यवस्था के विषय में वो अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।